गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम जीव विज्ञान के सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत परागण की क्रिया को स्पष्ट करेंगे। परागण पुष्पी पौधों का एक प्रमुख लक्षण है, जिसके फलस्वरूप पौधों की अगली पीढ़ी का निर्माण होता है। इस क्रिया में पुष्प के नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं। तो परागण की क्रिया वह क्रिया है जिसमें परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं और अब बात ये आती है कि परागण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर है स्वपरागण। स्वपरागण इसे कहते हैं ऑटोगैमी या ऑटो पोलिनेशन। और दूसरा है पर परागण जिसे एलो गैमी एलोगैमी कहा जाता है। तो आज हम चर्चा स्वपरागण की करते हैं। स्वपरागण पुष्पी पौधों में विशेष रूप से लैंगिक जनन की क्रिया को संपन्न करते हैं। स्वपरागण की परिभाषा है कि जब एक पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के मादा भाग अर्थात वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं यानी एक ही पुष्प में दोनों भाग हैं। जैसे कहते हैं कि द्विलिंगी पुष्प बाईसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प में नर व मादा दोनों जननांग या दोनों भाग क्या होते हैं साथ साथ पाए जाते हैं। जैसा कि हम एक पुष्पी पादप की पुष्प आरेख बनाए थे ये दल है और ये कैलिक्स है और यहाँ पर ये है स्टिग्मा यानी इसको कहते हैं वर्तिकाग्र और ये भाग इसका मादा भाग होता है और यहाँ से जो है इस पर संख्या में कई ऐसे पोतंत होते हैं और यही भाग है एंथर यानी जिसको कहते हैं परागकोश।
और इस पराग कोश में ही यानी पुष्प के नर भाग यानी मेल पार्ट पाए जाते हैं या नर युग्मक होता है, नर युग्मक इस भाग में पाया जाता है। और इस पराग कोश के परिपक्व होने पर यहाँ से स्फुटन होता है और स्फुटन होने से ये परागकण ऐसे निकलते हैं और निकलने के पश्चात इस वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो पहुँचने की ही क्रिया जो होती है परागण कहलाती है। परागण क्रिया पुष्पी पौधों में यानी स्वपरागण की क्रिया दो बातों पर निर्भर करती है। एक वह अवस्था होती है जिसमें यानी द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, यानी द्विलिंगी पुष्प है जिसमें नर और मादा दोनों भाग हैं, यदि इसका परागकण जो होता है इसी पुष्प के यानी मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो ऐसी क्रिया स्वपरागण होती है। दूसरी अवस्था ये है, ये तो पहली अवस्था है। और दूसरी अवस्था ये है कि एकलिंगी या द्विलिंगी पौधा है, पुष्प है, और इसमें पुष्प का नर भाग यानी पुष्प का नर भाग यानी परागकण इसी पौधे पर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं या उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो ऐसी अवस्था भी स्वपरागण की अवस्था होती है। कहने का मतलब कि पुष्प का परागकण यानी नर भाग एक पुष्प का परागकण है और उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब भी ये क्रिया क्या होती है, स्वपरागण होती है। और ये परागण की क्रिया जैसे सरसों का पौधा है, इसमें क्या होता है, स्वपरागण की क्रिया है। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें जैसे आप एक लिंगी पौधों की बात करते हैं तो एक लिंगी पौधों में क्या होता है, नर और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं, और जब ये युग्मकों का संलयन किसी माध्यम से होता है तब उनमें क्या होती है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो इसके बाद आता है स्वपरागण की युक्तियाँ। देखिए स्वपरागण की क्रिया कुछ माध्यमों, कुछ संसाधनों, कुछ साधनों के द्वारा संपन्न होती है या कुछ ऐसी अनुकूलताएं होती हैं जिनके अनुसार स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। तो स्वपरागण की क्रिया जो है यानी सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया जो होती है कुछ ऐसे माध्यमों या कुछ ऐसे संसाधनों या साधनों या युक्तियों या अनुकूलताओं के द्वारा संपन्न होती है, वे निम्न प्रकार से हैं। नंबर एक है, पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, स्वपरागण की युक्तियाँ या अनुकूलन अनुकूलन। तो सबसे पहला नंबर इसमें है द्विलिंगता द्विलिंगता बाईसेक्सुअलिटी द्विलिंगता का अर्थ होता है
कि जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि दोनों नर और मादा दोनों युग्मक एक साथ साथ पाए जाते हैं, अर्थात पुष्प में नर और मादा दोनों प्रकार की युग्मक एक साथ साथ पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और यदि नर और मादा युग्मक पुष्प में अलग अलग बनते हैं तो ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जैसे कद्दू है, लौकी है, ये सब क्या है यानी कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, ये सब एकलिंगी। और अभी क्रूसीफेरी की बात किया जाए तो क्रूसीफेरी पौधा जैसे मस्टर्ड पौधा है, ये क्या है, द्विलिंगी है, क्योंकि इस पुष्प में नर और मादा दोनों युग्मक एक साथ साथ बनते हैं, एक साथ साथ होते हैं, और इनमें सह परिपक्वता भी पाई जाती है यानी परिपक्व काल भी पाया जाता है। कारण यह है कि ये दोनों यानी युग्मक एक समय पर जो है परिपक्व अवस्था में आते हैं, और जिसके फलस्वरूप इनमें परागण की क्रिया समय पर संपन्न हो जाती है। तो देखिए, द्विलिंगिता का मतलब है ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों जननांग एक साथ होते हैं, जिससे स्वपरागण के लिए यानी अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे स्वपरागण के लिए अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जैसे एक लिंगी हैं, जैसे पपीता है, पपाया है, तो इसमें स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होने की कोई संभावना नहीं होती, यानी स्वपरागण होना इसमें संभव नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर है सह पक्वता, या इसे कहते हैं समकाल पक्वता यानी होमोगैमी, इसका अंग्रेजी शब्द है होमोगैमी। देखिए होमोगैमी सह पक्वता, इस शब्द से ही स्पष्ट होता है कि यदि जो है पुष्प में अर्थात पुष्प द्विलिंगी है तो इसमें नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, और ये दोनों युग्मक दोनों जननांग एक समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, और परिपक्व होने के पश्चात ही प्रजनन क्रिया को संपन्न करते हैं, अर्थात परागण क्रिया को संपन्न करते हैं, क्योंकि दोनों युग्मक एक साथ तैयार हो जाते हैं, जिससे स्वपरागण की क्रिया अच्छे से संपन्न हो जाती है। और इसमें है क्या चीज़, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पुंकेसर है अर्थात पुष्प का नर भाग है, और यहाँ पर ये क्या है, अंडाशय भाग है, इसका वर्तिकाग्र है, यहाँ पर क्या होता है मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण, और यहाँ पर क्या होता है नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण यानी पराकण, और ये जब ये परिपक्व हो जाते हैं और इसी अवस्था में ये भी परिपक्व हो जाते हैं, तो यानी नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात ये नर जननांग और मादा जननांग दोनों प्रकार के जननांग क्या होते हैं, एक साथ एक समय पर क्या होते हैं, मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं, परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, जिसके पश्चात इनमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तीसरी बात आती है इसमें निमिलिता, इसे कहते हैं अंग्रेजी में क्लिस्टोगैमी,
क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी कहने का मतलब है निमिलिता एक ऐसी क्रिया है, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें कभी भी पुष्प क्या होते हैं खिलते नहीं, यानी ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि यानी पौधों के पुष्प कभी खिलते नहीं हैं, और ये प्रायः इनमें परागकोष क्या होता है वो बंद अवस्था में होता है, और बंद अवस्था में ही जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्व होने के पश्चात ये जो होते हैं इनके परागकोष फट जाते हैं, और फटने के बाद इनका परागकण यानी मादा भाग जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने से ही जो होता है परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ऐसे पौधों में जैसे आप देखे हैं कि प्रायः पाए जाते हैं मूंगफली है, पीनट है, पीनट मूंगफली है, बनफसा है, हाँ ये सब पौधों में, और क्या कहते हैं गुलाबवास है, मिराबेलिस है, गुलाबवास मिराबेलिस, इन सब पौधों में क्या होता है प्रायः निमिलता की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी परागण की क्रिया जो होती है यह निमिलता होती है। कारण यह है कि ये पुष्प जो होते हैं कभी भी खिलते नहीं हैं, और इनके परागकोष जो होते हैं वो पूर्ण रूप से बंद होते हैं, और बंद होने के पश्चात जब ये परागकोषों में परागकण का निर्माण होता है, और निर्माण होने के पश्चात ये परिपक्व हो जाते हैं, तो परिपक्व होने के पश्चात ही ये परागकोष यानी कि स्फुटित हो जाता है, फट जाता है। फटने के बाद परागकण जो होते हैं मुक्त होकर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, और वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या है स्वपरागण की क्रिया है। तो बच्चों इसके बाद ये जो है सिस्टम यहाँ तक आज परागण की हुई, और इसमें थोड़ा सा और बताना है कि स्वपरागण से क्या लाभ है, स्वपरागण से क्या हानियाँ हैं, इसको भी थोड़ा से देख लीजिए इसी में कि स्वपरागण से क्या लाभ है और स्वपरागण से क्या हानियाँ। तो देखिए स्वपरागण से लाभ एडवांटेज टेजेस ऑफ ऑटोगैमी एडवांटेज ऑफ ऑटोगैमी। देखिए इसका मतलब है इसे निम्नलिखित लाभ है स्वपरागण परागण से निम्नलिखित लाभ है। नंबर एक है इन पौधों की वंश परंपरा बनी रहती है, यानी बनी रहती है। वंश परंपरा का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक लक्षणों का जो गुण है वो उनकी अगली पीढ़ी में सेम टू सेम या उसी प्रकार से जो होता है यानी इनका वंशागत लक्षण बना रहता है। और दूसरी बात है कि इन पौधों को जो है परागण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, और तीसरी बात यह है कि इन पौधों को परागण के लिए किसी अन्य साधन या युक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, साधन या युक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके बाद आता है कि स्वपरागण से हानि क्या है, स्वपरागण से हानियां यानी डिसएडवांटेज ऑफ
डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोगैमी। देखिए बेटा, कहने का मतलब ये है स्वपरागण से लाभ के अतिरिक्त कुछ हानियाँ भी होती। कारण ये होता है कि अगर पौधों में स्वपरागण ही होता रहता है तो नए लक्षण के नई पीढ़ी की पौधों का निर्माण संभव नहीं है, और इन पौधों के बीज जो होते हैं प्रायः कमज़ोर होते हैं। अगली बात यह है, इन पौधों का निर्माण जो होता है बहुत शिथिल होता है, और इनके बीज क्या होते हैं वो प्रायः जो होते हैं रूप रंग आकृति में क्या होते हैं पर परागण के बीजों की अपेक्षा शिथिल होते, निष्क्रिय होते। इनका अंकुरण जर्मनेशन की क्रिया भी क्या होती है बहुत धीमी होती है, और ये पौधे प्रायः क्या होते हैं स्वस्थ नहीं होते। इनके विकास की दर क्या होती है कम होती है। तो बेटा आज यहीं तक जो है ये आवृतबीजी पौधों की प्रक्रिया जो है अर्थात पुष्पी पादपों में परागण की क्रिया ये संपन्न हो जाती है। इसके पास दूसरा स्टेप जो है पर परागण है, इस पर परागण की क्रिया को हम अगले क्लास में स्पष्ट करेंगे। और इस वीडियो को आप देखिए और देखने के पश्चात ही इसको नोटबुक में बकायदा अच्छे से नोट करते चलिए, और जब क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी तो थोड़ा थोड़ा इसके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी, और इसके साथ साथ आप अध्ययन को बराबर जारी रखिए। और थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर मित्रों में करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।